बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति है। और एक जो तनाव होता है वो तनाव अब बिल्कुल नहीं लग रहा है, कंफ्यूजन नहीं लग रहा है कि भाई गृहस्थ में जाना है कि भक्ति करनी है, साधु बनना है। मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है, रियलिटी तो ये बहुत ही हल्का। और डर जो होते हैं ना अनजाने से, वो सारे तब ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि हाँ ये छूट गया तो क्या होगा। ये फिर उस बच्चे को लेके बचा के छुपा के वहाँ से निकाल के जंगल में पास के छुप गई थी जाके। ज़्यादा मैं रुकी नहीं यहाँ, घर छोड़ दिया आपने? हाँ, मुझे माता पिता नहीं है तो अकेले ही हो गई। गुरु जी क्या बोल रहे? गुरु जी तो आशीर्वाद दे रहे हैं, सर पे हाथ रख रहे हैं, पर वो कह रहे हैं अभी समय नहीं था, इस लाइफ टाइम में समय नहीं था। शरीर में से उतनी साधना होती नहीं है, उतनी कसरत नहीं होती है, उतना एक पैर पे खड़ा नहीं रहा जाता है, ऐसा मुझसे साधना इतनी नहीं होती है जितनी बाकी सब कर पाते लड़के। बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बिल्कुल सच है। क्लियर हो गया सर? बिल्कुल सच बात है। ये पता चल गया किस डायरेक्शन में जाना है? बिल्कुल, ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे वो पिछले जन्म में उन्होंने गुरुदेव ने कहा कि ये तुम्हें मान लो ये तुम्हारा शरीर नहीं है, तो इस बार जैसे ही वो गुरुदेव मिले तो पता चल गया कि हाँ मैं ये शरीर नहीं हूँ। मम्मी पापा भी इनको दिख गए अपने, और एक दो रिलेशन वाले लोगों को इन्होंने भी देख लिया। गुरुजी जो वहाँ थे, जो मठ में इनको कड़क अनुशासन में रखते थे, हाँ, और वो अभी ज्ञान मार्ग के बहुत बड़े एक संत है वृंदावन। देखिए गुरुजी अभी वृंदावन में हैं और इनसे मुलाकात हो चुकी है। और वो तभी आए हमारे जीवन में जब इस बच्चे का जन्म हो गया था, पुराने कोई ख्याल आ जाता था या कुछ ऐसा, तो मुझे इतनी बेचैनी होती थी कि मुझे लगता है अब इनका जवाब कौन देगा मुझे। इस वजह से मुझे ऐसा लगता था कि कोई पास्ट लाइफ हो जाए एक बार। मैं तो यही कहूँगी कि कन्फ्यूज़न से बच के ऐसी कोई चीज़ कर लेनी चाहिए जिससे कि आगे का मार्ग प्रशस्त हो। कन्फ्यूज़न में नहीं रहना चाहिए कुल मिला के, क्योंकि यह जवाब आपको कोई और नहीं दे रहा है, आपके अंदर से ही निकल के आएंगे, तो वो सबसे सच्चे जवाब होने वाले हैं जीवन के, जो आपके साथ हमेशा रहेंगे। इसलिए ये मेरा पूरा अनुभव बहुत वंडरफुल लग रहा। और इसको पूरा याद भी है ना? याद भी रहता है ये। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ राजस्थान से आई हुई हैं ये, और इनका भी स्पिरिचुअल सवाल था कि मेरे इस जीवन का लक्ष्य क्या है, कुछ थोड़ी कमी है, कुछ छूट गया है, कुछ ऐसी चीज़ थी जिसको पूरा करना है नहीं हो पाया है, ऐसा एक भाव इनके भीतर रहता था और काफ़ी दिनों से ये भाव के साथ जी रही थी। और फिर ये भी था कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। ये भी साधक हैं, स्पिरिचुअल हैं। स्पिरिचुअल लोगों को, साधक लोगों को ये तो थोड़ी समस्या रहती है, वो हर समय मन में प्रश्न रहता है कि मेरे इस जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं यहाँ इस दुनिया में क्यों हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अगर लड़की है तो क्या कर रही हूँ, इस तरह की चीज़ें आती हैं। इनकी जो परेशानी थी वो इतनी भर थी कि इनको अपने सवाल का जवाब चाहिए था कि मैं क्या लक्ष्य लेके इस संसार में आई हूँ, और मेरे भीतर जो भाव है कि कुछ कमी रह गई, कुछ गलती छूट गया, कुछ हो गया, वो क्या है, इसको समझना था इनको। तो ये आई थी और राजस्थान से आई हैं, तो हमने अभी इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है, करीब चार घंटे से ज़्यादा ये रिग्रेशन की प्रक्रिया थी, करीब 5 घंटे के आसपास की। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। बाहर आके अभी कुछ देर हो गए हैं, कैसा लग रहा है बताएं, पहले तो अपना कैसा लग रहा है ये बता दें। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति है। और एक जो तनाव होता है वो तनाव अब बिल्कुल नहीं लग रहा है, कंफ्यूजन नहीं लग रहा है कि भाई गृहस्थ में जाना है कि भक्ति करनी है, साधु बनना है, वो दोनों का कंफ्यूजन मिट गया। हाँ ये सही है। यार लड़कों को ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उनकी बराबरी करें,
तो ऐसा कुछ नहीं है, जो मिला है वो बहुत सफिशिएंट मिला है। देखिए अभी गृहस्थ है लेकिन साधक है ना, भीतर अंदर साधक है कोई, तो वो साधक भाव, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है, यार मैं ऐसा हूँ मुझे उधर जाने का मन करता है तो इसमें, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन दरअसल है नहीं, मान लेते हैं इसलिए कंफ्यूजन है, फिर बाद में क्लियर हो जाता है कि मैं ये इस तरह की चीज़ें कर सकता हूँ, ये तरह की चीज़ें भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस तरह की चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो इनका कन्फ्यूज़न दूर हुआ। ये जो सेशन चला इसको पूरी प्रक्रिया के बाद आपका शरीर और मन अब कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है, रियलिटी तो ये बहुत ही हल्का, और डर जो होते हैं ना अनजाने से वो सारे, तब ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि हाँ ये छूट गया तो क्या होगा, हम आगे बढ़ गए तो फिर पीछे जा रहे हैं, फिर कभी आगे वाले को देख रहे हैं, वो कन्फ्यूजन जो होता है ना, पीछे मुड़ के भी देखना है आगे भी बढ़ना है, वो सब मिट गया, वो वैसा कुछ नहीं है। हाँ, और शरीर एकदम रिलैक्स, हाँ, एकदम रिलैक्स्ड है, हाँ, रिलैक्स्ड है, बिल्कुल रिलैक्स्ड है, और मन भी शांत, मन एकदम शांत है, है ना, बिल्कुल। अच्छा, कहानी इनकी हम लोग शुरू करते हैं, आप बताइए ना अपने हिसाब से, फिर अगर लगेगा कि कहीं कुछ बताना है तो मैं फिर बीच में बात करूंगा, आप पहले अपनी कहानी बताइए शुरू से कि आप क्या थे, कैसे हुआ, जीवन से मरण तक, जन्म से मरण तक, जो भी कहानी आपने देखी है, जितना बताता है बताते बने वो बताना है, सब कुछ नहीं बता सकते ना मित्रों, अब अगर 5 घंटे का सेशन चल रहा है, 5 घंटे में कुछ बात हो रही तो उसको आप बताएंगे 5 घंटे लगेंगे, 5 घंटे आप वीडियो देखेंगे नहीं, इसलिए शॉर्टकट में बताइए। बस मैंने ये देखा कि एक संपन्न परिवार से शुरू हुआ और उसमें 2-3 ही लोग ज़्यादा नहीं हैं, फिर उसमें बिछुड़ गए, उनसे संत साधु संतों का सानिध्य मिला, फिर उनसे भी बिछुड़ गए, लेकिन एक वो जो मोह होता है बच्चे में, अपना बच्चा है नहीं तो भी वो मोह एक बना हुआ है, उसकी वजह से फिर वो होता है कि अंतमति सुगति बोलते हैं, तो बस वही एक भाव चलता रहा, और गृहस्थ में भी गए तो उसको भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, बस किसी की आज्ञा मिल गई है तो पूरा करना है ऐसा, पर पेरेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट रहे, पेरेंट्स ने या पिताजी ने कुछ कह दिया वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा, गुरुजी ने कुछ कह दिया तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा, वो एक पूरा रंग लगा मुझे। देखिए इन्होंने 5 घंटे की कहानी को 5 लाइन में ख़त्म कर दिया तो मेरे को आना पड़ेगा बीच में मुद्दा यह है कि राजस्थान में इन्होंने देखा, राजस्थान में ये हैं और एक ठीक ठाक परिवार है, संपन्न परिवार है। हवेली का विवरण दीजिए कि किस तरह की चीज़ें वहाँ देख रहे हैं आसपास चारों तरफ। बहुत बड़ा कमरा है, उसमें बड़े बड़े तख्त बिछे हुए हैं, लोग आते हैं तो बैठ जाएंगे उस पर, और बहुत सुंदर हवेली है, सफ़ेद रंग, बिरंगा रंग, सब रंग है उस हवेली में, बहुत सुंदर दीवारें हैं, बहुत सुंदर फर्श है, बीच में से काला सफ़ेद है, और बहुत बीच गुंबद जैसे बने हुए ऊपर से, मुखिया जैसे ये अपने पिताजी को पाती हैं उस गांव में, और मुखिया जैसा व्यवहार है उनका, लोग उनसे सलाह लेते हैं, आते हैं उनकी बातें सुनते हैं, वो जो मुखिया है या इनके पिताजी हैं वो लोगों के झगड़े भी निपटा देते हैं, लोगों के अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो उस समस्या को दूर करने में उनकी मदद करते हैं, और इस तरह से वो एक मजबूत पकड़ के साथ वहाँ रह रहे हैं, और लेकिन इनसे बहुत प्यार है, ये उनकी इकलौती बेटी हैं, एक ही बच्चा है उनका और वो बेटी, तो इकलौती बेटी से उनका बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। पापा की हैसियत यहाँ पे क्या कोई मुखिया जैसी है या? अच्छा, बताइए आगे उनका क्या, कैसा होता है उनको लेके? लोग आते हैं जो अपना पूछने के लिए उनसे, तो वो बताते हैं, वो लोगों को ईमानदारी से सब बताते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। हाँ, लड़ाई हो जाती है तो भी वो बोलते हैं तो सुलझ जाते हैं। अच्छा, और मैं सब देखती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये सब देखना कि वो कैसे कर रहे हैं सब चीज़ें। पर मुझे मना करते कि तुम क्यों, तुम्हारे
तुमको मत दिखो, तुम मत देखो, तुम्हारा क्या काम है देखने का। लेकिन माँ थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाती है बच्ची को कि तुम्हें ये करना है ये नहीं करना है। अब राजस्थान में थोड़े रहते ही हैं इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस, तो माँ का रिस्ट्रिक्शंस रहता था ये करो बेटा ये नहीं करो, ऐसा करो वैसा करो। पिताजी थोड़े लिबरल किस्म के, तो करने दो इस तरह का, ठीक है ऐसा चलता है वाला रहता है ना पापा लोगों का भाव, तो पिताजी चलता है वाले मोड में रहते थे, माँ बोलती थी नहीं चलता है, थोड़ा रिस्ट्रिक्ट होती थी। मेरी मम्मी है, उन्होंने बहुत आभूषण पहन रखे हैं। अच्छा। पिताजी हैं वो भी बहुत रईस जैसे हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर मम्मी मुझे थोड़ा सीमाओं में बांधती है, ऐसा मत कराओ ये लड़की है, ऐसा मत कराओ लड़की है। अच्छा। और पिताजी की शान मेरे को अच्छी लगती है, पर मम्मी को अच्छा नहीं लगता है कि मैं पापा के पास रहूं ज़्यादा। कभी कभी इनको लगता था कि यहाँ से भागो, अब ये इसके पीछे जीवन में भी कोई साधक रही होंगी, वो तो अभी नहीं देखे हम लोग, लेकिन वो भागो वाला भाव तभी आता है जब आप कुछ इस तरह की चीज़ों से गुजरे होते हैं और भी पूर्व जन्मों में, तो इनको लगता था कि घर से भागो। थोड़ा बड़ी हुई 15-16 साल के आसपास तो इनको लगता था कि भागो अब यहाँ से, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, भाव आता था लेकिन नहीं जाती थी क्योंकि इससे घर परिवार में थोड़ा सवाल उठेगा, पापा जी का भी एक प्रतिष्ठा थी, उनकी भी उनका मान सम्मान एक है, तो उस लिहाज से उन्होंने नहीं किया ये काम। हुआ ये कि पड़ोस में एक इनके माँ की एक फ्रेंड है, एक महिला इनके माँ की दोस्त है, पड़ोस में रहती है, उनका एक बच्चा है छोटा सा, बच्चे से बड़ा प्यार इनको है, और चूंकि ये बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते थे घर में कि कहाँ जाना है, कितना दूर जाना है, खेलना है नहीं खेलना है, बाहर जाना है तो कितना जाना है, तो ये बच्चे को लेके घर आती थी, पड़ोसी के बच्चे को, और इनको बड़ा अच्छा लगता था कि पड़ोस के बच्चे के साथ खेल रही हैं, वो उनके लिए एक तरह का अच्छा माध्यम था, बच्चा इनके अंदर वो जो भाव खेलने का होता था उसको बच्चा पूरा करता था। कोई आपके साथ है यहाँ पे और भी कोई है? एक छोटा सा बच्चा है। हाँ, एक छोटा बच्चा है। हाँ। कौन है वो? वो चल पा रहा है, छोटा सा। हाँ। और हंस रहा है और स्कर्ट पहना हुआ है। हाँ। छोटा टॉपर जैसा पहना हुआ है। हाँ। और लहंगा घाघरा ही है वो स्कर्ट और। हाँ। वो उसने टीका लगाया हुआ है काला रंग का। हाँ। और उसके बाल नहीं है, छोटा सा बच्चा है। हाँ। हुआ ये कि एक दिन इस गांव में कुछ लुटेरे किस्म के व्यक्ति आए, लूटने के इरादे से गांव में हमला किया गया, और जो गांव के जो पुरुष थे जितने भी जो घर थे, बहुत बड़ा गांव नहीं था, थोड़ा सा थोड़े से लोग थे उस गांव में, तो उस गांव में हमला हुआ और पुरुषों को उन लोगों ने मार दिया। इनका कहना था कि ये वेशभूषा से लगते हैं कि शायद ये मुस्लिम कोई आक्रांता वगैरह के किसी सिपाही उपाही है, लुटेरे किस्म के, लेकिन इनका उद्देश्य लूट मार था, तो उन्होंने आदमियों को मार दिया और जो भी लूट सकते थे लूट लिए। फिर माँ इनकी, फिर उसके बाद चूँकि पिताजी चले गए, पिताजी को भी इनके मार दिया था, पड़ोस में वो जो महिला थी उसको भी मार दिया, उसके पति को भी मार दिया। के साथ क्या हुआ चेक करें, पता है। हम बहुत भक्ति करते हैं तो ये मार रहे हैं सबको, तो कुछ मुसलमान जैसे लग रहे हैं। पापा को मार डाला? हाँ, उन्होंने वो भाला होता है ना एक लंबा। हाँ। जिसमें त्रिशूल जैसा आगे से होता है वैसा कुछ से मार दिया छाती पे, पूरा पार ही निकल गया। मैंने देखा पर कोई आया ही नहीं कोई बचाने। हाँ। और पर वो उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो बहुत तेज है उनके चेहरे पे, फिर भी उनको कोई तकलीफ नहीं है। मैं उनको चेहरे को ही देख रही हूँ तब से। वो लोग घर में भी आ गए पर उन्होंने देखा कि और कोई आदमी नहीं है तो चले गए। सब आदमियों को मार रहे हैं, वो आ गई अपने पति को बचाने के लिए। अच्छा।
वो महिला बीच में आ गई पति को। हाँ, पहले उसको मारा फिर उसके पति को मारा। हाँ अच्छा। मैं उनके घर में छुप के देख रही थी। हाँ मैं उनके घर में छुपी हुई थी। हाँ बच्चा मेरी गोदी में ही था। हम दोनों भाग गए वहाँ से। हाँ जैसे कि उन लोग को ही लगे कि हम इस गांव के ही नहीं हैं, इसलिए हम भाग गए। ठीक है। और मैंने मेरी मम्मी का भी नहीं सोचा कुछ। पर मम्मी तो भक्ति में लीन हो गई, फिर वो बस भजन ही करती है। उनको भी हमसे ज़्यादा मतलब नहीं। अच्छा। हाँ वो बस उसी घर में बैठ के पाठ पूजा करती रहती। वो बच्चा जो छोटा बच्चा था जिसके साथ ये खेला करती थी, ये करीब 18-20 साल के आसपास की उम्र है, तब की बात है। तो वो ये फिर उस बच्चे को लेके बचा के छुपा के वहाँ से निकाल के जंगल में पास के छुप गई थी जाके, और उस तरह से फिर वो बच गई, ये भी बच गई, वो बच्चा भी बच गया। गांव में एक और बच्चा था जो लड़का था, वो भी बच गया, वो भी उधर जंगल में छुप गया था तो बच गया। तो वहाँ पर एक छोटी सी इन लोगों ने अपना डर के मारे कुछ दिनों के लिए एक झोपड़ी जैसा कुछ बनाया था, और वहाँ ये लोग किसी तरह शेल्टर बना के रह रहे थे। खाने के नाम पे कुछ फल ही मिले और पानी, सामने नदी नदी थी ना सामने, नदी। तो पास में नदी थी तो पानी मिल गया, खाने के लिए फल मिल गया, बस। फिर ये गांव में फिर थोड़े दिनों बाद माँ के साथ आना जाना भी चला इनका, लेकिन ये देखती हैं कि माँ अब मोह से ग्रस्त नहीं है, माँ के भीतर अब विरक्ति का भाव है, माँ अब पूरी तरह से सन्यासी भाव में आ चुकी है, और माँ दिन और रात अब पूजा और भगवान का भजन इसमें लग गई है, माँ को अब ज़्यादा मोह नहीं रहा। तो फिर इनको लगा कि अब माँ मोह नहीं पाल रही है बच्चे के साथ, वैसे भी इनको अकेले रहने में ज़्यादा मज़ा आता था, तो इन्होंने फिर वो जंगल वाली लाइफ अपनी जारी रखी। वो अपना जंगल में रहती भी थी, कभी कभी बीच में आती थी। हाँ अच्छा। कभी भी कोई भाई बहन नहीं हुआ आपके आगे, अकेली आप? नहीं, बस मैं इसी उम्र तक यहाँ थी। अच्छा। ज़्यादा मैं रुकी नहीं यहाँ। घर छोड़ दिया आपने? हाँ, मुझे माता पिता नहीं है तो अकेले ही हो गई। फिर आगे चल के जब वो जो एक लड़का जो और जंगल में छोटा बच्चा एक और जो मिला था इनको, तो वो लड़का सन्यासी हो गया था, वो कहीं किसी जगह चला गया था, किसी मठ में चला गया था, वो सन्यासी हो गया था। वो लड़का इनके साथ माँ से मिलने आता था, तो माँ उस लड़के से थोड़ा प्रेम करती, थोड़ा ज़्यादा उनका झुकाव था, तो इनके भीतर एक भाव आ गया। इनको लगा कि ये जो है लड़कों की इज्जत ज़्यादा होती है संसार में, और लड़कियों को तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो लड़का होना ही ठीक था क्या, या लड़के शायद ज़्यादा बेहतर होते हैं, ऐसा एक भाव, थोड़ा सा वो भाव भी आया इनके अंदर। फिर वो लड़का तो चला गया, सन्यासी बन गया। जब इनकी माँ गुजरी तो उस लड़के को पता चला, तो वो लड़का अपने 2-3 सन्यासी मित्रों के साथ आया था इनके गांव में, और जो क्रिया होती है एक मृत व्यक्ति के बाद जो सारी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को करने में उस लड़के ने, वो साधक था, वो सन्यासी था, फिर भी वो एक महिला के लिए, क्योंकि वो महिला भी साधक हो गई थी, अब वो भी भजन कीर्तन में ही रहती थी, पूरे समय साध्वी भाव में रहती थी, सन्यासी भाव में रहती थी, तो उस महिला के लिए वो आए और उन्होंने सारा काम करके फिर वो जाने लगे। तो इन लोगों को लगा कि गांव में भी आजकल कोई है नहीं, माँ भी चली गई है, और फिर हम क्या करेंगे, और इनके पास एक छोटी बच्ची भी थी जो पड़ोस वाली बच्ची जिसको बचा के ये ले गई थी जंगल में, अब वो बच्ची का क्या होगा। तो इन लोगों ने तय किया कि ये लोग भी उन्हीं संतों के साथ जो सन्यासी आए हैं उनके साथ जाएंगे और देखेंगे कि आगे का क्या होता है। तो ये चले गए, उनके मठ में चले गए। मठ में इन्हें तो सन्यास लेने का मन शुरू से था, इनके भीतर वो भाव था कि ये कुछ साधना करें, कुछ करें, और वो बच्ची को भी इन लोगों ने वो साधु वाले कपड़े वपड़े पहना के, सन्यासी वाले कपड़े पहना के अपने साथ रख रहे थे। ऐसे ही है जी? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, आप सन्यासी बन गई हैं?
और वो जो बच्ची आप लेके आई उनका क्या? वो भी सन्यासी बन गई, छोटा सा छोटे ऑरेंज कपड़े पहना दिए उसको, छोटे ऑरेंज कपड़े पहना दिए हैं उनको, ठीक है। उसके भी बाल हटा दिए। हाँ अच्छा, उसका भी बाल हटा दिए हैं, मेरे आपके भी हटा दिए हैं। फिर हुआ ये कि इनको ये समझ में आ गया जल्दी ही कि बच्चे के रहते साधना नहीं हो पाएगी, सन्यासी वाली जो साधना है वो करना है तो बच्चे को उचित जगह पे पहुंचाना होगा और बच्चे की जिम्मेदारी से मुक्त होंगे तभी जाके हम सन्यास या उसकी जो अवधारणा है उसकी पूर्ति कर पाएंगे और उस तरह से साधना कर पाएंगे। तो हुआ ये कि इन्होंने फिर पता लगाया, तो ये नीचे जाती थी पहाड़ के नीचे भी कुछ कभी कभी सामान उमान लेना या कुछ इस तरह जाना आना होता था, तो एक दुकान था जहाँ पे इनको जाने को मिलता था, वो दुकान में जाती थी कुछ सामान उमान लेना। तो जब जाते थे उस दुकान पे तो बच्चे को कहाँ बिठाएं, बच्चा इतनी देर तक नहीं घूम पाएगा, तो एक दुकान वाले के यहाँ बिठा देते थे, तो वो उसको पानी पिला देता था, आदर से देखता था कि मट से बच्चा है, इतना छोटा बच्चा है, कोई लकड़ी के खिलौने दे दिए उसको कभी, तो उसको उन दोनों को खुश देख के, इस बच्चे को खुश देख के मुझे ये लगता था कि हाँ ये व्यक्ति सही है, देखो ये कितना खुश रख रहा है इसको, और फिर ये भी लगता था कि हाँ इसका बचपना तो खिलौने में ही है तो इसको जाना चाहिए इधर। फिर इनको लगने लगा कि ये व्यक्ति इसको अपने बेटे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करता है, ये व्यक्ति इसको अपनी बेटी की तरह सहयोग देता है, मानता है और उसको खिलौने वगैरह देता है, तो इनके मन में ये भाव आना था, बताइए पूरा ठीक से। हाँ, और कि ये व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि इसको लड़का ही बच्चा चाहिए, ये लड़की बच्चे को भी ये बहुत अच्छा करता है बिना किसी कंट्रोल के, और ऐसा तो ये भी एक चीज़ मुझे अभी एकदम अभी समझ आई कि ये ऐसे ये ही व्यक्ति सबसे उचित है इस बच्ची के लिए। तो फिर वो एक पिताजी की तरह बच्चा उनको दे दिया कि आप इसको रखिए, और ये बच्चा, और बच्चा भी बहुत खुश है क्योंकि उसको जो एक खिलौने वाला मिल गया। अभाव में जो एक साधक का जीवन होता है, कम भोजन में, सुख सुविधाओं से कम, साधनाएं भी करनी पड़ती है, वो कहाँ मेरे साथ हवन में लकड़ियाँ छोटी छोटी लेके आए वो बच्चा धूप में, कभी सुविधाएं नहीं है ओढ़ने के लिए, नहीं है मठ में साधक के लिए, तो उसको वो सब सुविधाएं वहाँ देख के, वो बच्चे को खुश देख के मुझे बहुत खुशी मिलती थी। तो मैंने यही सोचा कि ये पिताजी एकदम उचित पिताजी मिले हैं इस बच्चे को, और बस अब ये बच्चा तो इन्हीं के पास रहना चाहिए, मुझसे भी अच्छा है इस बच्चे को जीवन देंगे, और सेफ भी लगा। बच्चे की खुशी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये बच्चा खुश रहना चाहिए, और फिर मैं साधना भी कर पाऊँगी, मुझे वापस मठ में अपना भी पार्ट पूरा करना था। तो ये बच्चा इनको उन्होंने इस दुकानदार को दे दिया, ये बच्ची को। आपने ये बच्चा उस व्यक्ति को दे दिया? हाँ। अच्छा, उस व्यक्ति को आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो सही है व्यक्ति है? वो बहुत अच्छा है, वो उसको बहुत गोदी में बिठाता है, ठीक है, वो उसको बहुत अच्छा लाइफ दे रहा है, वो बच्चा जो बोलता है वो उसके लिए कर देता है, उसको मुझसे भी अच्छा रख रहा है। बच्चा जा रहा है तब? हाँ, बच्चा ठीक है, बच्चा ठीक है। अब मुझे पता है मैं वापस मुड़ के नहीं जाऊंगी उसके पास। वो जाने को तैयार है, खुश है वो? हाँ, वो उसके घर में ही रहता है अब, वो गुड़िया वहीं रहती है। अब मुझे मेरी साधना भी करनी है, इससे अच्छा उस बच्चे के लिए और कुछ नहीं कर सकती मैं, इसलिए मुझे वापस साधना करनी है। उसको मैंने समझा दिया कैसे लोग आते हैं, लोग मिलते हैं, उसको थोड़ा भगवान का भी बताया, और उसको ये बताया कि एक घर होता है और हमको घर में रहना चाहिए। उसको ये बताया कि एक पापा होते हैं, पापा बहुत ज़रूरी होते हैं, मम्मी नहीं होगी तो चलेगा पर पापा चाहिए, तो उसको एक पापा मिल गए, तो बच्चा उनको दे दिया। विदा होते बच्चे को देखे? हाँ। वो दुखी है कि खुश? नहीं, वो बहुत खुश है। हाँ, आप दुखी हो? हाँ।
इनको ना पूरे समय ये चिंता ही रहती थी, ये बच्चे को कैसे सुरक्षित करें, ये बच्चे का भविष्य का क्या होगा, ये बच्चा कैसे करेगा, इसका क्या करें कि ये सुरक्षित हो जाए, सेफ हो जाए। पूरे समय इनका जीवन का बहुत लंबा साल इसी में गुजरा, क्योंकि बचपन में उठा लाई थी उसको। अब इसके इनके पूरा जीवन इनका बीता, बड़ी हो गई, मठ में पहुंच गई, अब बच्ची तो रखना पड़ेगा इसको। अब 8-10 साल 12 साल जो भी उस बच्ची का समय इनके साथ बीता, तो उस उतने सालों तक ये परेशान रही ना, ये बच्ची का भविष्य कैसे होगा, मैं इसको क्या करूं कि इसका भविष्य उज्जवल हो जाए, ठीक हो जाए, ऐसी एक चिंता इनको रहती थी। तो इस चिंता के बारे में आगे बात करेंगे। फिर इन्होंने उस बच्ची को उस दुकानदार के पास दे दिया, उसको गोद ले लिया दुकानदार ने, अपनी बेटी बना लिया और रख लिया, और वो फिर अपने साथ रख लिया। और फिर ये मठ में साधक अपनी अच्छी तरह से साधनाएं करने लगी। इनके गुरु जी ने पहले इनको दीक्षा देने से मना किया था, कहा था कि इसको गृहस्थ जीवन में भेज दो। गुरु जी क्या बोल रहे हैं? गुरु जी तो आशीर्वाद दे रहे हैं, सर पे हाथ रख रहे हैं, पर वो कह रहे हैं अभी समय नहीं था, इस लाइफ टाइम में समय नहीं था, इस बार वो नहीं हो सकता। पर मैं कह रही हूँ मैंने सब कुछ तो छोड़ा, मुझे क्यों आप जबरदस्ती भेज रहे हो, आप रोक लो, आप में ताकत है, आप रोक लो। पर वो कह रहे हैं कि नहीं। लेकिन इनकी जो वहाँ पर एक और महिला थी, वहाँ के साधक महिलाओं में से, उसने गुरु जी के बहुत हाथ जोड़े, कहा कि इनको आप दीक्षा दीजिए, अब इसको कहाँ है सब में करना। तो गुरु जी ने दीक्षा भी दी इनको, बाकायदा दीक्षा दी, और फिर साधना में लगाया। आगे और क्या क्या बताना है बताइए। गुरु जी ने बस ये कहा कि ये उतना अनुशासन में भी नहीं रहती है, इसके मन में कहीं ये है कि लड़के ज़्यादा अच्छे से साधना कर रहे हैं, मुझे इतना क्यों कष्ट में दे रहे हैं, मैं कैसे करूँ ये इतनी साधना कठिन, जो दिन रात एक करके कराते हैं, घंटों तक खड़े रहने के लिए कराते हैं, शरीर में से उतनी साधना होती नहीं है, उतनी कसरत नहीं होती है, उतना एक पैर पे खड़ा नहीं रहा जाता है, ऐसा मुझसे साधना इतनी नहीं होती है जितनी बाकी सब कर पाते लड़के। एक पैर पे खड़ा हो जाए ऐसा साधना, ऐसे बहुत साधना करते हैं, ऐसा अंगूठे पे, हाँ अंगूठे पे ऐसा खड़े होके, और ऐसे मॉन्क लोग करते हैं वैसे साधना टाइप की है। मॉन्क लोग पहाड़, ज़्यादा भी लोग नहीं है यहाँ पे, बस कम ही है, थोड़े से यंग मॉन्क्स ही होते हैं यहाँ पे, पर गुरुजी बहुत बुजुर्ग है। एक मठ में एक जो पूरा नियम होता है, तो मुझे लगता था कि थोड़ा नहीं भी पालन किया तो क्या, इतना कैसे कंट्रोल करते हो आप। लेकिन जो गुरुजी का वो रेस्पेक्ट था, इतने लोग उनको देखते थे, तो ऐसा लगता था नहीं मुझे भी इस सीट पे कभी तो जाना चाहिए, पर ये नहीं पता था कि गुरु बनते कैसे हैं। इच्छा ये भी थी कि मैं भी गुरु की जगह पे बैठूं किसी दिन। ठीक है, हाँ बताइए आगे। उन माता जी ने बहुत मेरे लिए उन्होंने विनय करके मुझे दीक्षा कैसे भी दिला दी, और फिर वो दीक्षा वाला जीवन शुरू हुआ और अच्छे साधना सब शुरू हुई। पर फिर लास्ट में यही था कि किसी ने भी गुरु जी की सेवा नहीं करी, तो तब फिर जो गुरु जी के साथ में अकेले एक जो जीवन चला, बच्चे को कभी वापस मिली नहीं, मैं ऊपर से नीचे वापस मठ से नीचे उतर के कभी भी नहीं आई। ये नीचे नहीं आई थी, एक बार जब वो दुकानदार को बच्चा सौंप दिया, गोद दे दिया उसको, फिर इन्होंने सोचा था कि ये जरूर बीच बीच में बच्चे से मिलती रहेंगी, लेकिन हाँ, शायद ऐसा कोई संयोग नहीं बना या मौका नहीं मिला या कुछ ऐसा हो गया कि ये मठ में ही अपनी साधनाओं में व्यस्त, कठोर साधना, कठोर तपस्या जो इनको थोड़ी परेशान होती थी, तो कठोर तपस्या का जो मामला था उसके चलते वो जमीन में नीचे नहीं उतर पाती थी, पहाड़ से नीचे आना था इनको। ये हिमाचल की बात है ना, राजस्थान में थी जब ये संन्यास लिया इन्होंने, तो हिमाचल पहुंच गई थी साधना के लिए, मठ में जा गई, वो हिमाचल है, ये पहाड़ से नीचे नहीं जा पाई थी। फिर गुरुजी अधिक उम्र के थे, करीब 90 साल के हो गए थे, सेवा करने के लिए उनके पास, गुरुजी के पास और भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ ही लोग बचे थे मठ में, तो इनको सेवा का मौका मिला।
गुरु जी के करीब जाने का, गुरु जी के मन को समझने का मौका मिला और गुरु जी को इनको समझने का मौका मिला, फिर क्या हुआ बताएं। फिर गुरु जी से यही बात हुई कि गुरु जी ने कहा तुम्हारे मन पे कंट्रोल नहीं है, तुम जो जिस मोह में पड़ी हुई ना अभी वो समय भी नहीं आया है, तो तुम्हें वापस गृहस्थ में जाके उसको संभालना चाहिए, बच्चे को देखना चाहिए। तो मुझे था कि नहीं ऐसा, तो उन्होंने कहा तुम्हारा ये जिद्दी स्वभाव भी नहीं चलने वाला है साधना में। साधना में गुरु की आज्ञा तो गुरु की ही आज्ञा होती है। तो फिर बाद में यही लगा कि चलो ठीक है एक बार बच्चे को देखे आते हैं, देखते हैं क्या है। फिर गुरु जी नहीं थे आगे साथ में, तो फिर वापस उतर के आए नीचे मठ में, गए उसको देखा, नीचे उतर के आए तो उसको देखा। तब फिर लगा गुरु जी ने आज्ञा दी है कि गृहस्थी करो, तो साथ में रहने लगे, गृहस्थ हो गए वहीं उनके साथ। बच्चे जिसको दिए थे, गोद दिया था, वहीं उन्होंने अपने शादी करके साथ गृहस्थ जीवन बना लिया और बच्चे के साथ माँ मिल गई बच्चे को वापस आगे। फिर बच्चा ये सोचता था कि अच्छा ये मम्मी है ये पापा है, और फिर वो संपन्नता भी थी, तो वो नौकर चाकर सब थे, तो वो एक जो आराम वाला था जीवन, नेचर था, कठिन तपस्या पहाड़ पे, उससे वो चीजें अच्छी लगने लगी। तो उसमें फिर वही ये समय निकलता गया और साधना थोड़ी बहुत बच्चे को सिखाई, क्योंकि वो जब बिजनेस के लिए जो जा रहा है तो वो आने में समय लग रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो वेट करते हुए जीवन व्यतीत हो रहा है। और बच्चे को अच्छा सिखाना है ये भी है कि चलो जो मैंने मठ में सीखा है वो मैं इसको सारा सिखा दूं, तो एक वो गुरु वाला भाव भी रहता था कि मुझे भी कुछ सिखाना है। ये सब चीज़ें चलती रही साथ में। और इस तरह से इनको एक साधु जो गृहस्थ हो गया, एक सन्यासी जो गृहस्थ हो गई, ये समझिए सन्यासी को गृहस्थ जीवन जीना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर साधना में भी कुछ कमी थी और भीतर जो मोह था वो बच्चे के साथ थोड़ा अटैचमेंट ज़्यादा था ना, वो जो चिंता कि बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो जाए, वो कैसे रहे क्या कर दें उसके लिए, ऐसा टाइप का जो मोह का भाव, इसकी वजह से गुरुजी ने इसको महसूस किया कि ये उससे डिस्टर्ब है, तो जाओ भाई तुम वहीं रहो जाके, यहाँ क्या करना, साधना को थोड़ा रखो और जाओ, इस तरह का आज्ञा गुरु ने दी थी। तो गुरु आज्ञा से इन्होंने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया था उस जीवन में। अच्छा, अभी जो उस पूरे कहानी का सार है वो यही था कि इनको क्या करना है, क्या कमी रह गई, क्या छूट गया, ये जो लगता था तो वो छूट गया क्या, साधना। साधना सन्यासी बने, मठ में गए, साधनाएं शुरू की, लेकिन नहीं कर पाए, वापस आ गए। तो वो जो अधूरापन लगता था ना कि कुछ क्या मेरे से गलती हो गई है, क्या मेरे से छूट गया है, वो चिंता, वो बात जो भाव अंदर रहता था इनके, वो एक बात आई। फिर गुरुजी ने इनको टारगेट भी दिया था कि वो आपको आगे साधना करनी है, पहले ये काम खत्म कर लो फिर आगे करना, तो आगे करना है ये भाव भी था मन में कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि साधना ही करनी है ये बात तो पक्की थी, करना है ये भाव, इस शरीर में वो भाव था करना है, कुछ करना है, तो क्या करना है, क्या है जिसको करना है, क्या है जिसके लिए हमें आगे जीवन में प्रयास करना है, उसको पूर्ण करना है, उसको जीना है, वो क्या है। तो वो संदेश इनको साफ हुआ कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है, वो आपकी दिशा क्या होगी, किस तरह की दिशा होगी, अब कन्फ्यूज़न नहीं, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं, अब क्लियर है इनको, अब बिल्कुल क्लियर है। हाँ, बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न नहीं, बिल्कुल सच है, क्लियर हो गया सर। हाँ, बिल्कुल सच बात है, ये पता चल गया किस डायरेक्शन में जाना। हाँ, है बिल्कुल, ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें मित्रों हम अभी नहीं बताएंगे, और बस कहानी यही समझ लीजिए कि इनको फिर डायरेक्शन मिला गुरु जी से, डायरेक्शन लेने के बाद ये फिर वहाँ पर वो गृहस्थ जीवन जिया इन्होंने, लेकिन गृहस्थ रहते हुए भी इनका भाव संन्यास का रहा, हालांकि गुरु आज्ञा से गृहस्थ में तो आ गए थे, लेकिन इनको लगा कि गृहस्थ में आके फिर गलती हो गई इनको तो साधु ही होना चाहिए, लेकिन गुरु जी ने इनका मुँह देख के कहा जाओ जरा समझ ही लो उसको, उस गृहस्थ को जी ही लो, जाओ समझो, देख ही लो एक बार क्या है। एक बार आप जब देख लेते हैं तो आपको मोह जो है खत्म होता है, आपको समझ में आ जाए, जब आप किसी चीज़ को जान लेते हैं तो थोड़ा सा उससे मुक्ति भी मिलती है। तो वो फिर इनको मुक्ति वहीं पर ही समझ में आ गया था, तो वहीं पर ही फिर इनका साधक भाव जाग गया था, फिर वो उस तरह से जीवन इनका बीता, थोड़ा एकांत भी रहा मठ को देखते हुए एकांत में, यहाँ भी इनको अकेले होने का, अकेले
या आपने कुछ नोट किया था, मुझे दिखाया था? हाँ, अकेले रहने का बहुत मन करता है कि अकेले हो जाए, सब लोग हैं साथ में, लेकिन मुझे ये रहता था नहीं, अकेले चलो, अकेले बैठो, अकेले में बैठ के ध्यान करो, अपने मंत्र जाप करो, और बहुत अच्छा लगता था क्योंकि कोई जज भी नहीं करता है, आप अकेले होते हो तो कोई कंट्रोल भी नहीं कर रहा है आपको, तो वो एक भावना बहुत रहती थी। पर ये नहीं पता था कि अंदर सारा ज्ञान अंदर है, पर वो है कहाँ ये नहीं पता था, अब डायरेक्शन पता है। तो ये जो भाव आता था ना इनको, अभी जो आता है भाव कि अकेले बैठ जाएं, अकेले कमरे में बैठ जाएं, ये वही गृहस्थ होने के बाद भी ये जो है वहाँ कमरे में अकेले बैठ के उधर मठ की ओर भी देखा करती थी दिन भर, और अकेले साधना में भी लग जाती थी। तो ये जो उनका भाव रहा, इसकी वजह से इनको यहाँ पर एक अकेलेपन, अकेले रहने का भाव आने लगा था। फिर उन्होंने वहाँ पर अपना पूरा वो जीवन जिया अच्छी तरह से, 70 साल के आसपास ना, करीब 70 साल का जीवन इन्होंने जिया, और 70 साल का जीवन जी के फिर शरीर इन्होंने छोड़ा। जब इन्होंने शरीर त्याग किया तो वहाँ पर भी साधु संत जमा हुए, साधु संतों ने इसका अंतिम संस्कार करवाया। अच्छा, ये जब शरीर छोड़ रही थी ना, तो कुछ लोग इनको कुछ पढ़ के सुना रहे थे, कुछ संत आए थे इनके शरीर छोड़ने से पहले, क्या चल रहा था? वो ऐसे तिलक लगाए हुए संत थे, जटाधारी संत थे, मोंक नहीं थे, मठ वाले मोंक नहीं थे, वो नीचे से कहीं से मैदानी इलाके से आए हुए साधु थे, वैष्णव थे वो। और वो उन्होंने बुलाया था क्योंकि वो बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने कहा हमारे अभी मेरे गांव के ही हैं, ऐसे करके बताया था। वो मुझे गीता पाठ सुना रहे थे और ये कह रहे थे तुम अब तक तुमने जो किया ठीक है, अब इस पे ध्यान दो, जो हम कह रहे हैं ना, अब इन पे ध्यान दो। तब भी मैं उनको ऐसे देख रही थी कि देखो इनकी एंट्री कितनी आगे तक होती है ना, इनको कितना सौभाग्य है और ये देखो ये साधु हैं, ये लड़का है, पुरुष वेश में है, तो इनको देखो कितनी इनको इज्जत दी जाती है कि ऐसे वक्त पे भी इनको ही बुलाया जाता है। तब फिर मुझे ये लग रहा था कि, पर वो जो कह रहे थे कृष्ण भगवान का नाम ले रहे थे, ये वो भी मुझे लग रहा था कि हाँ ये किसके बारे में बता रहे हैं, ये अभी तक तो कभी सुना ही नहीं है, किसके बारे में बता रहे हैं मुझे। पर वो एक बहुत गहरा हो गया क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे वो मुझे सुना रहे थे, तो वो बहुत एक गहरा भाव हो गया कि हाँ अब इसको जानना है मुझे, और ये क्या पुस्तक है, ये ऐसी क्या पुस्तक हो रही है यहाँ पे, इनको जानना है, एक भाव बना बहुत गहरा। और जो अंतिम विचार, अंतिम भाव होता है ना पूर्व जन्मों में, जो अंतिम क्षण में जो जो कुछ भी भाव या जो कुछ भी विचार होता है, अमूमन अगले जीवन में उस तरह की चीज़ें चली आती हैं। वहाँ पर वो साधु जो आए थे, वैष्णव साधु थे, और जो इनको वहाँ पर गीता का ज्ञान पढ़ा रहे थे, कृष्ण जी की बारे में, कृष्ण जी की कृष्ण भक्ति के बारे में बता रहे थे। ये दरअसल ध्यान मार्ग में वहाँ पर थी ना, ज्ञान मार्ग जो है थोड़ा सा इनको ज्ञान मार्ग में रुचि थी, वो इनसे कह रहे थे कि ज्ञान मार्ग तो ठीक है, आप भक्ति मार्ग में उतर के देखिए, अंतिम समय में कह रहे हैं ना, भक्ति मार्ग में जाइए, भक्ति मार्ग कृष्ण की भक्ति को अपने भीतर धारण करिए, अब जा ही रहे हो तो भक्त बन के जाओ, ये शायद उसका भाव रहा होगा, या ये भाव रहा होगा कि अगला जीवन जाओ तो भक्त बन के जाना। तो कृष्ण जी के साथ अभी आपका कैसा संबंध है, और आप कृष्ण से बचपन से जुड़े, कैसे जुड़े थोड़ा बताइए। हाँ, भक्ति बचपन से की है क्योंकि माता जी का वही स्वभाव है, भक्ति करानी है बच्चों से, और ऐसे पर ऐसे कोई क्लियर नहीं था। जैसे ज्ञान मार्ग की पुस्तकें पढ़ना मुझे आज भी बहुत पसंद है, और मुझे लोगों को इतना मुश्किल लगता है कि इसमें क्या लिखा है, नींद आ रही है, प्रवचन ऐसे वाले सुन के मुझे मेरी नींद जग जाती थी कि ये क्या सुना रहे हैं, ये क्या गुप्त बात बता रहे हैं, जो हमारे वेदांत की बातें बता रहे हैं, ज्ञान मार्ग की वेदांत की बातें हर किसी को इतनी आसानी से भी नहीं आती है समझ में, लोगों को नींद आती है, उबासियाँ आती है ऐसा, लेकिन वो बातें मुझे बहुत गूढ़ समझ आ जाती थी। तब फिर मैं सोचती थी कि ये ज्ञान मार्ग की बातें कैसे, ये मुझे समझ इतनी आसानी से कैसे आ रही है, कि वो शब्द कैसे समझ आ जाते हैं, और एक बार मैं पढ़ती कैसे वो लाइन समझ आ जाती है, और इतनी समझ आ जाती है कि वो निकलती भी नहीं है दिमाग से। जैसे वो पिछले जन्म में उन्होंने गुरुदेव ने कहा कि ये तुम्हें मान लो ये तुम्हारा शरीर नहीं है, तो इस बार जैसे ही वो गुरुदेव मिले तो पता चल गया कि हाँ मैं ये शरीर नहीं हूँ। पर अब उसको इस लाइफ में, क्योंकि आप भौतिक दुनिया में भी तो रहते हो ना, उसको कैसे मैच करें, वो नहीं आ रहा था तालमेल करना, पर अब वो आ रहा है। और भक्ति इसलिए कि लास्ट मोमेंट पे उन्होंने सब वो सुनाई भगवान के बारे में, राधा रानी होती है, कृष्ण भगवान होते हैं, उन्हीं में सब ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग सब समाहित है।
तो वो फिर एक बात लग गई, पर उसका उसको करने के लिए आप क्या पुस्तक पढ़ना है, कौन सा ग्रंथ पढ़ना है आपको, वो अब इसमें क्लियर हो गया है कि क्या पढ़ना है एक्चुअल में। हाँ। अच्छा, ये कृष्ण का जो संदेश लास्ट में इनको मिला, तो फिर ये जो है ना, देखिए इस जीवन में कृष्ण की भक्ति की ओर अपने आप अट्रैक्ट हो रही है ना। आप वृंदावन घूम रहे थे, बताइए ना थोड़ा सा। बिल्कुल, हम वृंदावन घर से पेरेंट्स का भी इतना वो नहीं लेके गए, लेकिन अब जब से शादी हुई उसके बाद से हम वृंदावन ही जा रहे हैं, दोनों जने, तीनों जने परिवार के। अच्छा, इसलिए आप थोड़ा सा इसको और क्लियर करें। ये तीनों माने अभी इनकी बच्ची और इनके हस्बैंड, ये वही बच्ची है जिसको इन्होंने पिछले जीवन में पाला पोसा। बिल्कुल वही बच्ची है ना। वही बच्ची। और जो मैं कह रहा था कि बच्ची की बड़ी चिंता इसको रहती थी, तो वो आज भी चिंता रहती थी, माने ये रिग्रेशन के पहले तक मुझसे कह रही थी इसका बस कुछ हो जाए, तो फिर अब समझ में आ गया है। बिल्कुल, इतनी चिंता रहती है कि वो कहाँ है अभी, किधर क्या कर रही है, सेफ तो है ना। हाँ। और इसीलिए इन पे इतना विश्वास हो जाता है। मैं कई बार इनको अभी भी इस लाइफ में भी कई बार बोलती हूँ कि देखो आपके भरोसे ये है, ये ध्यान रखना तो मैं कुछ करती हूँ काम, ये आपके भरोसे। इतना मुझे भी लगता था कि परिवार में इतने जने होते हैं, हस्बैंड को बोल के जाती है जिम्मेदारी देके, ऐसा जिम्मेदारी कि आपके भरोसे बच्चे को सब रखो, मैं आती हूँ या कहीं भी जाती हूँगी तो अपने हस्बैंड को ऐसा जिम्मेदारी देके जाती। और बच्चा छूटता भी नहीं है कि लोग सोचते हैं आप नॉर्मली भेज दो बच्चे को कहीं पे भी, तो उसके साथ ही रहती हूँ मैं पूरे टाइम, नहीं जाने देती हूँ। बच्चे का एक्स्ट्रा केयर करने का भाव इसलिए भी है, देखिए उस बच्चे के पेरेंट्स को लोगों ने मार दिया था वहाँ पे, वहाँ बच्चे के पेरेंट्स की हत्या हुई थी और इन्होंने उस बच्चे को छुपा के लेके भागी थी, वो बच्चे की जान जा सकती थी ना। इनके भीतर एक गहरा भाव तो रहा होगा, ये बच्चा मर सकता था, अगर ये बच्चे को लेके नहीं भागेगी तो मर जाएगा, तो वो जो भाव आ गया उनको पीछे जीवन में कि बच्चे को सेव करना है, सुरक्षित करना है, तो वो लेके तो भाग गई, फिर उसके बाद अपने साथ रखी हर समय वो बच्चे के भीतर का जो भाव था इनके अंदर कि बच्चे को सुरक्षित करना है, फिर भाव आया कि इनको सुरक्षित करने के लिए किसी पापा की जरूरत है तो पापा दे दो, फिर भाव आया अब गृहस्थ भी जाना है तो चलो उसी बच्चे से, बच्चे के पास ही जाओ, उस बच्चे का जो पापा है उन्हीं के साथ शादी करके गृहस्थ बनाओ, है ना, किसी और से गृहस्थ बना सकते थे। हाँ। लेकिन गृहस्थ कहीं और नहीं बना रहे, वहीं बना रहे हैं गृहस्थ, क्योंकि वो बच्चा अपना है वहाँ पे। वो जो भाव था वो भाव यहाँ भी चला आया कि बच्चे की एक्स्ट्रा केयर, लेकिन अब नहीं रहेगा, अब बेफिक्र रहेगी। बिल्कुल सच बात है, अब नहीं रहेगा, देखिएगा आपको लगेगा कि अब वो खत्म हो गया वो भाव। हाँ, वो अननेसेसरी का जो अटेंशन बच्चे पे जा रहा था वो अब नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा अननेसेसरी हो गया था ना। हाँ। बच्चे की भी अपना एक वो पूरा जीवन रहता है। हाँ। तो वो एक चीज खत्म, बच्चे का पिताजी कौन है ये भी पता चल गया, वही आदमी था जो दुकानदार था वहाँ पे, उसने बच्चे का पिता का रोल किया, आज सच वाले बच्चे का पिता का रोल कर रहा है। और गुरुजी देखो कितनी बड़ी बात है, मम्मी पापा भी इनको दिख गए अपने, और एक दो रिलेशन वाले लोगों को इन्होंने भी देख लिया। गुरुजी जो वहाँ थे, जो मठ में इनको कड़क अनुशासन में रखते थे। हाँ, और वो अभी ज्ञान मार्ग के बहुत बड़े एक संत है वृंदावन के। देखिए गुरुजी अभी वृंदावन में हैं और इनसे मुलाकात हो चुकी है। हो चुकी है। और वो तभी आए हमारे जीवन में जब इस बच्चे का जन्म हो गया था, और ये 4 महीने की थी। अच्छा, उसके बाद आए, पहले भी आ सकते थे वो हमारे जीवन में नहीं, लेकिन वो उसके बाद आए। व्यवस्थाएं ऐसी बैठी की, और वो कई बार कहते भी हैं कि हम तो इसकी वजह से तुमसे मिले हैं, वो कई बार कहते हैं इस बात को। अच्छा, इस बच्चे की वजह से ही हम आए हैं और तुम चिंता मत करो। हाँ। इसका तो हम बहुत अच्छा कर देंगे, क्योंकि गुरुजी को मालूम था बच्चे के चक्कर में इसका साधना, पिछली बार चौपट साधना, चौपट तो नहीं लेकिन हाँ चौपट जैसा गुरु की नजर में, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि बच्चे की वजह से हम आए हैं, है ना। तो अब वो उन्होंने भेजा था बच्चे की वजह से इनको, अब ये बच्चा इनके साथ है, गुरुजी भी अब मिल गए हैं, उम्मीद करते हैं कि अब इनका जीवन उन प्रश्नों से हट जाएगा जिन प्रश्नों से इनको थोड़ी परेशानी महसूस होती थी, बेचैनी महसूस होती थी, तकलीफ होता, तो वो चीज़ें अब मिट जाएंगी, ऐसी हमें उम्मीद है पूरी तरह से। बिल्कुल। और जो दोपहर में जैसे दिन में सोना ही नहीं होता था, दिन में मेरी नींद ही उड़ जाती थी, कई बार कोई ऐसे पुराने कोई ख्याल आ जाता था या कुछ ऐसा, तो मेरी मुझे इतनी बेचैनी होती थी कि मुझे लगता है अब इनका जवाब कौन देगा मुझे। इस वजह से मुझे ऐसा लगता था कि कोई पास्ट लाइफ हो जाए एक बार तो अच्छा, क्या है पहले, जिसकी वजह से अभी इतना ब्लॉकेज महसूस हो रहा है कि कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। गृहस्थ में है लेकिन मन संतों के पास भी जाने का करता है, कथाएं सुनने का करता है, तो अब गृहस्थ में भी है और
सारी सुख सुविधाएं भी हैं, बच्चा भी एकदम ठीक है, पूरी फैसिलिटी है, और ये है कि वृंदावन भी जाने को मिल जाता है। अब सारी व्यवस्थाएं बैलेंस है, और एक मन में अब ये भाव रिग्रेशन के बाद ही आ गया है कि सब कुछ सफिशिएंट है। अब ये भाव भी आ गया, ये अच्छा, भाव आ गया। अच्छा, जो आप अपना ये जो इस जीवन में और भी कुछ चीजें आपके, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, कुछ और चीजें भी हैं इनके जीवन में ऐसा इनको लगता था, जैसे पहाड़ों में जाना, पहाड़ों में घूमना इनको पसंद, ऐसा इन्होंने बताया था। अब समझ में आ रहा है पहाड़ों में घूमना क्यों पसंद? जीवन ही वही निकले है, इसीलिए वो अट्रैक्ट करते हैं ना। बादल आ रहे हैं पहाड़ों पे, हवा चल रही है, हम आँख बंद करके बैठे हैं, वो हवा जो फील होती है, कई बार आप पहाड़ पे जाएंगे तो ठंडी एक हवा अलग चलती है, वो फील कराती है कि हाँ देखो हवा लग रही है फेस पे, तो वो एक उस समय का, वो उस समय भी लगा मुझे। तो इसीलिए इस लाइफ में भी इनको पहाड़ आकर्षित करते हैं। तो मित्रों, इनकी कहानी जितना शॉर्टकट में हम लोग समझा सकते थे, बता सकते थे, आपको बता दी है। एक साधु जो गृहस्थ हो गया कुछ मोह के कारण, ठीक है, तो अब उनको फिर से मौका मिल गया अपने आप को जानने का, समझने का, साधना का मार्ग समझ में आ गया है, किधर जाना है, कैसे जाना है। वो जो अधूरापन जीवन में था, क्या कुछ गलती हो गई, क्या कुछ छूट गया है, कुछ अधूरा रह गया, वो भी क्लियर हो गया, क्या छूट गया था, क्या करना है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस? बहुत वंडरफुल। मैं तो यही कहूँगी कि कन्फ्यूजन से बच के ऐसी कोई चीज़ कर लेनी चाहिए जिससे कि आगे का मार्ग प्रशस्त हो। कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कुल मिला के, ये करें वो करें ना करें, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, सुख क्यों आ रहा है, दुख क्यों आ रहा है, इससे बेटर है कि एक PLR का सेशन करें और कन्फ्यूजन खुद ही अपना मिटा लें, क्योंकि यह जवाब आपको कोई और नहीं दे रहा है, आपके अंदर से ही निकल के आएंगे, तो वो सबसे सच्चे जवाब होने वाले हैं जीवन के, जो आपके साथ हमेशा रहेंगे। इसलिए मेरा पूरा अनुभव बहुत वंडरफुल रहा, और इसको पूरा याद भी है ना, याद भी रहता है ये। तो मित्रों, अब इस सेशन को, इस कहानी को, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया उसको लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, वीडियो देखने वाले बहुत लोग हो यार, लेकिन सब्सक्राइब करने वाले उस तरह के लंबे चौड़े दिख नहीं रहे, तो ज़रा अपनी संख्या भी बताएं, सब्सक्राइब करें बढ़िया से, अच्छी तरह से जम के सब्सक्राइब भी करें, ऐसी बहुत मेहनत करते हैं। हमारा रिग्रेशन चलता है, हम आराम से लेटे होते हैं चेयर पे, और हम इनके गाइडेंस के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं, पर ये कंटिन्यूसली चेयर पे बैठ के आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। इसलिए आप प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सुन लो भाई इनकी बातें भी सुन लो। बिल्कुल। तो ठीक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करना है, शेयर करना है, और हाँ, कमेंट करते रहिएगा, अच्छा बुरा जो करना है करिए, लेकिन करते रहिए तो मेरे को भी उससे मार्गदर्शन मिलता है, बुरा करते हो तो मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ कि हाँ भाई यहाँ कुछ गलत हुआ हो तो उसको ठीक करें। कहीं कहीं लोग नहीं जानते इसलिए भी कमेंट कर देते हैं, तो भगवान उसको, जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि भगवान इनको माफ़ कर देना, इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो कई लोग ऐसे आते हैं तो मैं जीसस क्राइस्ट की तरह प्रार्थना कर देता हूँ, प्रभु इनको नहीं मालूम इसलिए कमेंट कर रहे हैं, कोई बात नहीं छोड़ देना, पर कमेंट तो करते रहना भैया, अच्छा लगता है, ठीक है, आपका मार्गदर्शन भी मिलता है, और आप लोगों का जो भरपूर प्यार मिल रहा है उसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद, नमस्कार।